गाय शेर के बच्चे की माँ हाथी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। शेर बहुत ही घमंडी था। वो जंगल में किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करता था, जबकि शेरनी शेर के बिल्कुल विरुद्ध थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव और दयालु थी। जंगल के सारे जानवर शेरनी की बहुत इज्जत करते थे। शेरनी भी जानवरों का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक घायल हथनी पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लगी है। शेर हथनी को देखकर भी अनदेखा करके वहाँ से निकल ही रहा था कि हथनी उसे देख लेती है और शेर को रोकते हुए कहती है, महाराज महाराज मेरी मदद कीजिए, मेरे पैर में जख्म हुआ है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं ऐसे आलतू फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, समझी? अब पड़ी रहो यूं ही जब तक कि कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता। यू शेर बोल ही रहा था कि शेरनी वहां आती है। वो शेर की बातें सुनकर कहती है, महाराज एक अच्छे राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के दुख दर्द में उनका साथ दे, ना कि उन्हें मुसीबत में छोड़ दे। शेरनी की ये बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देखो शेरनी, तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर कभी मुझे नसीहत देने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। शेरनी हथनी से कहती है, हथनी बहन चिंता ना करो, मैं अभी उल्लू वेद को ले आती हूँ। यू शेरनी जाकर उल्लू वेद को ले आती है। उल्लू वेद हथनी के पैर को जड़ी बूटियाँ लगाता है और कहता है, हथनी बहन मैंने जड़ी बूटी लगा दी है, तुम चिंता ना करो, जख्म कल तक ठीक हो जाएगा। शेरनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गर्भवती होते हुए भी आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, हम जानवर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर शेरनी वहाँ से चली जाती है। शेर के घमंड की वजह से जंगल में शेर के कई सारे दुश्मन थे। उनमें से एक था बाघ। बाघ अपने दोस्त काले चीते के साथ मिलकर शेर को मारने की योजनाएं बना रहा था। एक दिन बाघ काले चीते से कहता है, अरे दोस्त, पता नहीं कब मैं उस घमंडी राजा शेर को मारूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। कंबख्त की किस्मत हमेशा साथ दे जाती है। हाँ दोस्त, झूठी जी हजूरी कर करके थक गया हूँ मैं भी, पता नहीं कब हमें उससे आज़ादी मिलेगी। यूं वो योजनाएं बना रहे थे कि एक दिन शेर तालाब के पास पानी पी रहा था। ये देख बाघ और काला चीता शेर पर पीछे से वार करते हैं और उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं देते, वो उसे मार डालते हैं। ये सब दूर खड़ी हिरन देख लेती है। दूसरी ओर शेरनी एक सफेद शेर के बच्चे को जन्म देती है। हिरन भागी भागी जाकर शेरनी को सारी बात बताती है। ये सुन शेरनी गुस्से से दहाड़ मारती है और एक घायल शेरनी बनकर बाघ और काले चीते को मारने के लिए निकलती है। हथनी शेरनी को रोकने की बहुत कोशिश करती है। शेरनी किसी की भी नहीं सुनती है, वो बाघ को मारने निकल पड़ती है। हथनी बाकी जानवरों को लेकर शेरनी का पीछा करती है। बाघ और काला चीता शेर के पास खड़े थे। ये देख शेरनी गुस्से से दहाड़ मारती है और कहती है, तुम दोनों की ये मजाल कि तुम दोनों ने राजा शेर को मारा, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ शेरनी, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बच्चे को जन्म देकर तू कमजोर हो चुकी है, अच्छा होगा अगर तू यहाँ से चली गई तो, नहीं तो हम दोनों मिलकर तुझे भी मार डालेंगे। अरे ओ पागल बाघ, कभी भी किसी घायल शेरनी को मत ललकारना, तू उसकी ताकत को नहीं जानता, अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। शेरनी बाघ और काले चीते पर टूट पड़ती है। तीनों के बीच जमकर लड़ाई हो रही थी। शेरनी बहुत कमजोर थी पर फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। इसी दौरान हथनी बाकी जानवरों को लेकर वहां आती है। बाकी जानवर शेरनी की ये हालत देख वो बाघ और काले चीते पर टूट पड़ती है। सारे जानवरों को एक साथ देख कर बाघ और काला चीता डर जाते हैं। वो सारे जानवर मिलकर बाघ और काले चीते को मार डालते हैं।
शेरनी बहुत घायल हो गई थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो हथनी से कहती है, हथनी बहन, अभी मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगी। मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना, उसे कभी भी किसी भी बात की कमी महसूस मत होने देना, उसे उसके बाप की तरह मत बनने देना, बल्कि एक ताकतवर और दयालु राजा बनाना जो अपनी प्रजा की अच्छे से रक्षा कर सके। शेरनी, मैं वादा करती हूँ, आज से मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे एक अच्छा राजा बनाऊँगी, कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूँगी। और शेरनी मर जाती है। हथनी घमंडी शेर के बच्चे की माँ बनकर उसकी देखभाल करती है। सफेद शेर का पुनर्जन्म और काला चीता। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही जालिम और खूंखार था। उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। काले चीते की दहशत से जंगल के सारे जानवर डरे हुए थे। वो ना तो जंगल में आज़ादी से घूम पाते थे और ना ही खुलकर एक दूसरे से बात कर पाते थे। वो सब एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। काला चीता एक सफ़ेद शेर के बच्चे को पाल रहा था। वो उसे सिम्बा कहकर बुलाता था। काला चीता सिम्बा को एक गुलाम की तरह पाल रहा था। वो उसे ठीक से भोजन भी नहीं देता था। ये देख जंगल के सारे जानवर उदास रहते थे। एक दिन सिम्बा काले चीते से कहता है, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। अरे, तुझे खाने के अलावा कुछ और सूझता भी है कि नहीं? जब देखो तब खाना खाना करते रहता है, चल जा गुफा में। यूं काला चीता सिम्बा पर बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। सिम्बा भूख के मारे रो रहा था। ये देख लोमड़ी भी उदास हो जाती है। वो काले चीते से छुपकर सिम्बा के लिए भोजन ले जाती है और काले चीते के आने से पहले ही सिम्बा को भोजन खिला देती है। देखो सिम्बा, तुम महाराज से मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई थी। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। लोमड़ी ये कही रही थी कि काला चीता वहाँ आ जाता है और वो लोमड़ी को देख कर कहता है, तेरी ये मजाल कि तू मेरे ही खिलाफ जाकर इसे भोजन दे रही है? लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। लोमड़ी काले चीते को देखकर डर जाती है। महाराज, सिम्बा बहुत छोटा है, उसे बहुत भूख लग रही थी। मुझे क्षमा कीजिए, फिर कभी ऐसा मैं नहीं करूँगी। काला चीता लोमड़ी की एक नहीं सुनता है। वो उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। ये देख सिम्बा और बाकी के जानवर भी डर जाते हैं। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। जंगल के सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। हाथी लोमड़ी को चुपके से भालू वेद के पास ले जाती है। भालू लोमड़ी को कुछ जड़ी बूटियाँ देता है। भालू भाई, आखिर कब तक हम इस शैतानी काले चीते से यूँ डरते रहेंगे? बेचारे सिम्बा का उसने जीना हराम कर दिया है। ना तो वो उसे ठीक से भोजन देता है और ना ही उसे किसी से मिलने देता है। अरे, वो तो बस सिम्बा के बड़े होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सिम्बा बड़ा होगा, वो सिम्बा से उस राज मुकुट को छीन लेगा और सिम्बा को मार डालेगा, जैसे उसने सिम्बा के माता पिता को मार डाला था। आखिर क्या बात है कि वो ये काला चीता सिम्बा के पीछे पड़ा है? सिम्बा के माता पिता कहाँ है? तुम इस जंगल में नहीं हो। सिम्बा के माता पिता इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में हम सब बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक एक दिन पता नहीं कहाँ से ये शैतानी काला चीता आ गया। पहले तो वो महाराज के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। फिर अचानक एक दिन उसने धोखे से सिम्बा के माता पिता को मार डाला। वो सिम्बा को भी मार देता, पर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उसे वो राज मुकुट चाहिए था। तो वो मुकुट कहाँ है? वो मुकुट काली पहाड़ी की एक गुफा में है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सिम्बा ही जा सकता है। और वो शैतानी काला चीता सिम्बा के बड़े होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सिम्बा बड़ा होगा, शैतानी काला चीता उस मुकुट को लेकर सिम्बा को मार डालेगा। हे भगवान, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम सब मजबूर है। अब बस भगवान की ही दया है। यूं वो सब जानवर सिम्बा के लिए प्रार्थना करते थे। काला चीता सिम्बा के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। सिम्बा बड़ा हो गया। काला चीता सिम्बा को काली पहाड़ी पर मुकुट लाने के लिए भेजता है। बेचारा सिम्बा ठीक से भोजन ना मिलने पर बहुत कमजोर था।
वो चल भी नहीं पा रहा था, पर वो काले चीते की दहशत से डर कर जैसे तैसे पहाड़ी पर चला जाता है और वो मुकुट ले आता है। ये देख काला चीता बहुत खुश हो जाता है, पर जंगल के सारे जानवर उदास थे। उन्हें डर था कि मुकुट मिलते ही काला चीता सिम्बा को मार डालेगा। अरे ओ सिम्बा, अब तेरा इस जंगल में कोई काम नहीं है, तू भी अपने माता पिता के पास चला जा। महाराज रहम कीजिए, सिम्बा को छोड़ दीजिए, महाराज छोड़ दीजिए। दुश्मन को छोड़ना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगर तू कहे तो मैं तुझे सिम्बा के साथ भेज दूँ। ये कहकर काला चीता सिम्बा पर हमला करता है और उसे मार डालता है। काला चीता बहुत खुश था। पापी, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, देखना एक ना एक दिन तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। काले चीते को हाथी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर भी हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सारे जानवर रोने लगते हैं। सिम्बा हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, अब वो हम सबको भी एक एक करके मार डालेगा, इससे अच्छा है कि हम ये जंगल छोड़कर चले जाए। सारे जानवर जंगल छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी वहाँ एक सुनहरी रोशनी आती है। रोशनी को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। देखो डरो मत, मुझे वन देवता ने भेजा है तुम लोगों की मदद के लिए। सिम्बा के पिता एक अच्छे राजा थे, उन्होंने हमेशा तुम लोगों के बारे में सोचा। अब मैं सिम्बा को पुनः जन्म दूंगी, जिससे सिम्बा उस शैतानी काले चीते को मार पाएगा। यूं वो जादुई रोशनी सिम्बा को पुनः जन्म देती है, जिससे सिम्बा फिर से जीवित हो जाता है। उसे कई सारी शक्तियाँ मिलती है। सिम्बा और बाकी के जानवर उस रोशनी का धन्यवाद करते हैं। सिम्बा काले चीते के पास जाता है। सिम्बा को देख काला चीता घबरा जाता है। क्या हुआ, अपनी मौत को इतने करीब से देखकर चौंक गए? तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, जंगल के जानवरों पर बेरहमी से पेश आए, अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये कहकर सिम्बा काले चीते पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। यूं जंगल के सारे जानवर सिम्बा के राज्य में हंसी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।